हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डूथेट वार के सारे मिशन कंप्लीट करके दिखाने वाला हूं। तो यार, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे तो कोई भी मिशन आपसे छूट सकता है और आप उसे सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार नीचे रेड बटन वाले पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग आप लोगों के लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और लाते रहते हैं। तो यार, इसी बात पे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आज हम जा रहे हैं करिल महाराज के पास और देखते हैं वह हमको क्या मिशन देते हैं। यानी यह गेम बिल्कुल शुरुआत से है और हम करिल महाराज के पास फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो देखते हैं वह हमको क्या कुछ बताने वाले हैं यार। तो हम फाइनली करिल महाराज के घर पर पहुंच ही चुके थे, मगर जैक भैया ने यह गाड़ी किसी और के घर में घुसा दी। और जैक भैया, यहां से गाड़ी को निकालो और करिल महाराज के घर पर चलो यार। तो जैक भैया ने गाड़ी निकाल ली है और करिल महाराज का घर यहीं पास में ही है, मगर यह गाड़ी ऐसे कैसे चल रही है यार। और करिल महाराज का घर वो सामने रहा, लाल छत वाला। तो करिल महाराज के घर पर हम लोग पहुंच चुके हैं और करिल महाराज के ये रहे चेले चपाटे। और यह करिल महाराज रहे जो हमेशा बोतलों पर ही बैठे नाचते रहते हैं। और करिल महाराज के चेले यह कैसा डांस करते रहते हैं यार, ऐसा डांस कौन कर सकता है। तो यार, ये वो जगह है जहाँ पर घुसकर हमको मिशन लेना पड़ेगा, यह गुब्बारे जैसी। तो यार चलिए इसके अंदर घुसते हैं और देखते हैं। और करिल महाराज ने शुरुआत में ही कहा कि तुम मुझे बीट करो और फिर मैं तुम्हें अपने गैंग में शामिल कर लूँगा। यानी करिल महाराज को हमें रेस में हराना पड़ेगा और उसके बाद करिल महाराज सोचेंगे कि वह हमको अपने गैंग में रखना है या नहीं। यानी हम एक गुंडे बनने वाले हैं यार, और गुंडों का काम होता है बस, वो तो आपको पता ही है। तो यार चलिए करिल महाराज को हरा ही देते हैं। तो यार हम रेस पर निकल चुके हैं और करिल महाराज को हराना जरूर पड़ेगा। करिल महाराज को हराने पर हमको करिल महाराज $500 भी देंगे और अपने गैंग का हिस्सा भी बनाएंगे और आगे के मिशन भी हमको आराम से मिलते रहेंगे। तो यार यह रेस जीतना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है, तो इस रेस को हम जीत कर ही रहेंगे। तो यार अभी बहुत टाइम है रेस जीतने का, तो मगर हमारे जैक भैया ने गाड़ी को हवा में उड़ा दिया यार, वाकई बेहतरीन गजब। तो यार जैक भैया भी अच्छे ड्राइवर है यार, मगर अभी रेस कंप्लीट होने में बहुत टाइम है। तो जैक भैया अभी अपनी फुल स्पीड से गाड़ी चलाते हुए और लगातार फुल नोज पर गाड़ी चला रहे हैं। और हमारी गाड़ी इधर कैसे आ गई यार, ये पानी में गिर गई। मगर जैक ने यहाँ से भी निकाल लिया गाड़ी को और जैक अब रेस कंप्लीट करके ही रहेगा। तो यार चलिए रेस को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और जैक भैया ने लगातार एक्सीलेटर खींच रखा है और फैंस वगैरह सब कुछ तोड़ते हुए आगे निकल रहे हैं, मगर जैक भैया ने यहाँ पर यू टर्न लिया और ये मारी गाड़ी सीधा बिल्डिंग में। यार जैक भैया अब रेस पूरी हो पाएगी क्या नहीं, तो यार रेस पूरी करनी पड़ेगी यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा। और बंदा भी टपका दिया यार, पुलिस का भी लफड़ा हो गया, अब एक स्टार भी लग गया। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर खैर नहीं हमारी, तो अभी तो गुंडे बने भी नहीं हैं, अभी से ही पुलिस पकड़ लेगी तो क्या होगा यार। रेस पूरी हो गई, मिशन कम्प्लीट, तो $500 भी मिल गए यार, ये तो बहुत ही कमाल की बात हो गई। तो यार अब रेस पूरी हो चुकी है, अब चलते हैं महाज्ञानी करिल के पास और देखते हैं वह हमको क्या चैलेंज देने वाला है। तो यार करिल के पास हम लोग आ चुके हैं और करिल महाराज क्या कह रहे हैं यार, ये यानी एक कोई इनका रिची आदमी है, उसको छुड़ाना पड़ेगा हमको यार। और उसको छुड़ाने के लिए कुछ हैकिंग डिवाइस जैसी कोई चीज़ें हैं वह इकट्ठा करनी पड़ेंगी, और वह तीन चीज़ें हैं अलग अलग जगह पर। तो यार ये भी दिमाग की दही बनाने वाला काम है, तो इनको ढूंढना जरूर पड़ेगा। और हमारे जैक भैया अब हैकिंग डिवाइस ढूंढने निकल चुके हैं और यह जैक ने करिल ने इनको बता दिया है कि वह हैकिंग डिवाइस कहाँ कहाँ पर है। तो यार चलिए चलते हैं अपनी हैकिंग डिवाइस को ढूंढने। तो यार अभी तक हमने एक भी हैकिंग डिवाइस कलेक्ट नहीं की है, तो यार हमें वहाँ पर कैसे जाना होगा, और उसके लिए पैदल तो जा नहीं सकते। ये हमें गाड़ी भी मिल गई यार,
तो गाड़ी में बैठ लेते हैं और चलते हैं अपनी हैकिंग डिवाइस, पहली हैकिंग डिवाइस की तरफ। और जैक ने वही वाली गाड़ी उठा ली जिसमें फुल नॉलेज है। यार इस गाड़ी को चलाने में बहुत मज़ा आएगा। तो यार जैक ने गाड़ी को फुल स्पीड से चला रखा था मगर गाड़ी पलट गई थी और जैक ने फिर सीधा कर लिया। और हमारी लोकेशन हमको सामने नज़र आ रही है यानी पुलिस स्टेशन। इस पुलिस स्टेशन के अंदर भी एक हैकिंग डिवाइस है जो हमको ढूंढनी पड़ेगी। यार ये कैसा पुलिस स्टेशन है, इसमें पुलिस वाले तो रहते नहीं है, ये नाम का पुलिस स्टेशन है बस। तो यार इसमें घुसकर हम कुछ भी चुरा लेंगे तो पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे क्या? पुलिस वाला यहाँ पर एक भी नहीं है। तो गाइज हम लोग इस कमरे में घुस लेते हैं और अपनी हैकिंग डिवाइस उठा लेते हैं। और हमने एक हैकिंग डिवाइस कलेक्ट कर ली गाइज। यहाँ बम का काम नहीं है जैक, बम अंदर रखो यार, अब यहाँ से निकल लो चुपचाप। तो जैक आराम से रास्ता देखकर निकलने की कोशिश करता हुआ, और ये निकल लिया जैक। और यहाँ से चलते हैं दूसरी हैकिंग डिवाइस की तरफ। हमारी गाड़ी कहाँ गई यार? अरे गाड़ी इतना दूर कैसे पहुँच गया बबुआ? तो यार गाड़ी में बैठते हैं। तो यार गाड़ी हमसे दूर क्यों जा रही है यार ये? अरे गाड़ी इधर आ जा, गाड़ी इधर आ जा। अरे गाड़ी फिर आगे भाग रही है यार। तो फाइनली यार ये गाड़ी ख़राब हो चुकी है, इसके टायर फट चुके हैं, ये किसी काम की नहीं है। तो यार इस गाड़ी को छोड़ते हैं और निकलते हैं पैदल ही। पैदल जाने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसलिए चीट कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं। और डूट बोल्ट चीट कोड का इस्तेमाल कर लो जैक, और फिर दौड़ो घोड़े वाली रफ्तार से। तो जैक ने डूट बोल्ट का इस्तेमाल कर लिया है, अब यह कारों को भी पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी अब इसके आगे कोई भी चीज़ इससे रेस नहीं लगा सकती। तो यार अभी यह सुपर फास्ट है। तो हम अपनी दूसरी हैकिंग डिवाइस की लोकेशन की तरफ पहुंचने वाले थे मगर किसी ने टपका दिया यार। तो यार पहुंच चुके हैं हम अपनी फाइनली हैकिंग डिवाइस की लोकेशन के पास। तो यार यह हैकिंग यहाँ हमारे घर के पास में ही है यह जगह, और यहाँ पर हम लोग गेम खेलकर पैसा भी कमा सकते हैं। और यह है यहाँ पर भी टपक गए हमारे जैक भैया, यार यहाँ भी मर गए, इनको मरने का बहुत शौक हो रहा है आज। तो यार चलो ना अंदर, वहाँ हैकिंग डिवाइस ढूंढो यार, बाद में मर जाना। तो यार कहाँ है जगह? तो यार ये दरवाज़ा खोलना पड़ेगा भाई, दरवाज़ा खोलो यार। दरवाज़ा खोला जैक ने, और हैकिंग डिवाइस कहाँ है? लगता है हैकिंग डिवाइस ऊपर होगी, तो ऊपर चलो सीढ़ियों से यार। तो है जैक भैया ऊपर जाते हुए और देखते हैं हैकिंग डिवाइस वो रही सामने, इसको भी उठा लो चुपचाप से। और जैक ने यह भी चुपचाप से उठा ली। चलिए निकलो अब यहाँ से, भागो, रात हो गई है, पुलिस इधर उधर घूम रही होगी, तुम्हें पकड़ लेगी यार, तो निकल लो यहाँ से। तो हमारे जैक भैया लगातार रास्ता देख रहे हैं किधर से जाएं किधर से जाएं यार। अरे ये क्या कर रहे हो जैक भैया? अच्छा तो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ईमानदार आदमी हो यार। चलो कर दो ठीक है, किसी का दरवाज़ा ऐसे खोला नहीं छोड़ता यार। चलो ठीक है, हमारे जैक भैया ने दरवाज़ा बंद किया। ओ यह साइकिल बड़े कमाल की है, छोटे बच्चों वाली, इस पर बैठ लेते हैं, देखते हैं यह कितना दूर तक हमको ले जाती है। तो यार अब हमको कहाँ जाना है यार? हम जाना है वहाँ डेजर्ट के पास में एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर ही वह हैकिंग डिवाइस है, और वह बहुत दूर है यार। तो इसलिए थोड़ा स्पीड से जाना होगा। इस साइकिल से पहुँच पाएंगे या नहीं जैक भैया? अरे पहुँच जाएंगे यार। तो कोई चलो ठीक है, खींचो मीटर, पाँचवा गियर लगाओ यार, ऐसे कैसे। तो जैक ने पांचवा गियर लगा दिया है और अपनी लोकेशन की तरफ पहुंचने की कोशिश करता हुआ हैकिंग डिवाइस को ढूंढ के ही रहेगा। तो यार हम फाइनली अपनी लोकेशन पर पहुंच ही चुके हैं मगर यह लोकेशन फाइनल नहीं है, यह तो हमने रास्ता सीधा करने के लिए लोकेशन रखी थी। तो यहां से भी आगे हमको जाना होगा, उस फैक्ट्री के अंदर जाना होगा जहाँ पर वह हैकिंग डिवाइस है। तो यार इसी रोड से जाते हुए हमको नीचे वाले साइड में जो रोड आ रहा है इस रोड से जाना होगा, जब ही हम उस हैकिंग डिवाइस तक पहुंच पाएंगे। तो यार ब्रिज आ चुका है और दूसरे आइलैंड पर हम पहुंचने ही वाले हैं, और दूसरे आइलैंड पर ही वह फैक्ट्री है जिसमें हैकिंग डिवाइस छुपाई हुई रखी है करिल महाराज की। तो यार चलिए जैक महाराज थोड़ा जल्दी कीजिए यार, बच्चे बोर हो जाएंगे यार इतना टाइम लगाओगे तो। तो यार खींच के चलाओ जैक महाराज। तो जैक भैया हमारे थोड़ा खींच के ही चला रहे हैं यार, तुम लोग बोर मत होना। तो यार हमारे जैक भैया ने डेस्टिनेशन अचीव कर लिया है और यह अब देखते हैं कहां पर है वह हैकिंग डिवाइस। तो यार इसको इस रास्ते से होते हुए उस फैक्ट्री तक अभी जाना होगा, वह फैक्ट्री अब समीप ही है। तो हमारे जैक भैया लगातार
अपनी जान जोखिम में डालकर साइकिल की स्पीड को फुल स्पीड में चलाते हुए जा रहे हैं, या बच्चों वाली साइकिल है फिर भी जैक इसको अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। तो यार जैक लगातार स्पीड, अरे जैक ये रोड पे चला यार, गड्डी कैसे चला रहा है यार। तो यार जैक ने अपना रास्ता पकड़ लिया है जिस रास्ते पे उसको हैकिंग डिवाइस मिलने वाली है गाइज। तो यार एक और ब्रिज आ चुका है यार अब, अरे ऐसे कैसे टक्कर मार रहा है यार, मरेगा के। तो यार अब वह फैक्ट्री आ चुकी है जिसमें वह हैकिंग डिवाइस है। तो उस हैकिंग डिवाइस को लेने के लिए हमको लोकेशन देखनी पड़ेगी, वह लोकेशन किस लोकेशन पर है, वरना यह फैक्ट्री तो बहुत बड़ी है यार। तो यार देख लेते हैं वह हैकिंग डिवाइस किस जगह रखी है। तो गाइज वह हैकिंग डिवाइस यहाँ नहीं है, दूसरी लोकेशन पर है, यहाँ पर है। तो अब यहाँ से थोड़ा लेफ्ट लेते हैं, राइट, थोड़ा राइट लीजिए और इधर को टर्न करके आप लोकेशन पर पहुँचिए और वहाँ पर आपको हैकिंग डिवाइस मिलेगी। तो यार जैक लोकेशन पर पहुँच चुका है और हैकिंग डिवाइस इसके पीछे है गाइज। हैकिंग डिवाइस कहाँ है, वो सामने हैकिंग डिवाइस है और जैक ने यह भी कंप्लीट ले ली और मिशन कंप्लीट हो गया गाइज। तो यार इसी बात पे एक लाइक तो बनता है यार, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों यार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। तो यार अब चलते हैं हम महाज्ञानी के पास, क्रिल बाबा के पास। तो यार क्रिल बाबा के पास थोड़ा चलो जल्दी से जैक भैया। अरे जैक भैया तार बाड़ में ही घुसा दी यार, ऐसे नहीं चलेगा, टायर फट जाएंगे साइकिल, फिर पैदल भागोगे। तो यार जैक रोड पे चलाओ जैक, उल्टा रास्ता नहीं लेना है बच्चा, हाँ सीधा रास्ता लो और निकलो अपनी लोकेशन की तरफ। तो जैक लगातार, अरे ये तो उल्टे रास्ते पर ही पहुँच गया जैक, ये लगता है किसी शमशान घाट में पहुँच चुका है यार, यहाँ पर तो भूत नाच रहे हैं यार। जैक निकल लो भैया यहाँ से, और जैक ने एक भूत को टपका दिया है यार, यह भूत नहीं है तो कोई बंदा था यार, भूत थोड़ा ही मरते हैं। तो जैक यहाँ से निकल चुका है और एक स्टार भी हमको चढ़ चुका है और पुलिस हमारे पीछे है यार। और जैक ने अपना पांचवा गियर जो लगा रखा है, पुलिस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जैक अपनी फुल स्पीड से जाता हुआ अब जाएगा यह सीधा क्रिल के पास। तो क्रिल के पास पहुँचो थोड़ा जल्दी जैक, इतना टाइम लगाओगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे यार। तो जैक महाराज थोड़ा जल्दी खींच के लो गड्डी यार, चलो चलो। अब लगता है यह करिल महाराज की लोकेशन के नज़दीक आ चुका है। अरे रोड पर चढ़ा दे भैया गाड़ी, कैसे नहीं चढ़ा पा रहा यार। गाइज इसकी गाड़ी रोड पर नहीं चढ़ पा रही, इसके साइकिल के टायर छोटे हैं और रोड थोड़ी ऊंची है, इसलिए यह रोड पर नहीं चढ़ा पा रहा है। तो यार रोड पर फाइनली हमारे जैक ने गाड़ी चढ़ा ली है और यह खींच कर अपनी लोकेशन की तरफ बढ़ रहा है, यानी करिल महाराज के पास। अभी तो यह ब्रिज पर ही आया यार, ब्रिज क्रॉस करके ही करिल महाराज का घर है उसके राइट साइड में, और यह करिल महाराज के पास उड़ता हुआ आ भी गया। और यह कहाँ फंस गया हमारा जैक। तो यार चलो कूदो यहाँ से, थोड़ा नीचे आ जाओ और करिल महाराज को खुशखबरी दे दो कि हमने तीनों हैकिंग डिवाइस ढूंढ लिए हैं। और अभी अरे वायु फाइंड द माल, यानी यह बढ़िया। तो यार यह तो बढ़िया काम रहा, यह हैकिंग डिवाइस ढूंढ ली है इसने, और अब इसको क्या चाहिए यार, यानी अब यह $3,000 का काम, क्या मतलब। यानी अब हमको $3,000 इकट्ठा करने पड़ेंगे यार। तो यार $3,000 हमारे पास नहीं है यार, $3,000 हमको इकट्ठा करने पड़ेंगे। उनको इकट्ठा करने के लिए हमको कुछ गेम वगैरह और कुछ चोरी चपाटी और भी बहुत से काम है जो कर सकते हैं। तो इसलिए यार, तो चलिए यार चलते हैं अपने $3,000 इकट्ठा करने। तो यार हमारा जैक निकल चुका है, देखता है इसको $3,000 कहाँ पर मिलेंगे और यह उनको कैसे कमाएगा। यार यह रोड पर कौन बंदे बैठे हैं, जरा इनकी खबर लो यार, ये रोड के बीच में कैसे बैठ गए यार, मतलब ये रोड सरकारी रोड है यार, कोई ये थोड़ा है कि रोड पर बैठ जाएगा। और साइकिल से एक बंदा टपक चुका है यार और उसके कुछ पैसे भी गिर चुके हैं और एक बंदा अभी बैठा है चुपचाप। तो यार जैक भैया इसके पैसे उठा लो यार, हमारे काम आएंगे $3,000 भी पूरे करने। और $21 थे गाइस, एक बंदा खाली मरा यार, एक के पास ही पैसे थे। तो चलिए अपनी बाइसिकल उठा लेते हैं और चलते हैं अपने पैसे कमाने वाले धंधे पर यार। तो पैसे कमाना किधर है, तो यार जैक भैया ढूंढो, वह मिनी गेम खेलने वाला इधर ही है,
जहाँ पर हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो यार जैक भैया लगातार अपना वह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर इसको पैसे कमाए जाएंगे। वो तो मिनी गेम खेलकर हम लोग पैसा कमाने वाले हैं, यानी इस गेम को लगातार खेलकर हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो यार जैक ने बड़ा ही अच्छा स्कोर किया यार, 29। अरे ये मिस हो गया यार। अरे वाह 30, वेल डन 31। बहुत ही अच्छा स्कोर खे यहाँ पर जैक हमारा, बहुत ही अच्छी तरीके से लगातार स्कोर करता हुआ, और जितना स्कोर करेगा उतना ही एक स्कोर का $10, यानी 33 स्कोर का $330। यार ये तो बड़ा ही कमाल का खेल है यार। और यहाँ पर हमारे जैक के $34 हो चुके हैं, 34 स्कोर, यानी अब इसको मिलने वाले हैं $340। अरे वाह भैया ये तो कमाल कर दिया जैक, और जैक ने यहाँ पर लगातार 3 घंटे पसीना बहा है दोस्तों, पसीना बहाकर इसने $3580 पूरे कर लिए। अब यह चलता है उन पैसों को देने के लिए करेल महाराज को, और यह पैदल ही निकल लिया यार, गाड़ी नहीं मिली क्या कोई जैक? तो जैक लगातार पैदल ही निकल चुका है क्योंकि इसके पास डूड बोर्ड चीट बोर्ड एक्टिवेट है, तो यह आराम से फास्ट स्पीड से पहुंच जाएगा। तो यार यह फाइनली लोकेशन पर पहुंच चुका है जहां पर करेल महाराज रहते हैं। तो ये रहे वो करेल महाराज, और इनको दे दो भैया $3000 जो हमने कमाए हैं खून पसीने से। तो करेल महाराज ने हमारे $3000 ले लिए हैं जो हमने 3 घंटे की कड़ी मेहनत से कमाए थे यार। तो अब यह हमको क्या बताने वाला है भाई, नाइस डूड। तो यार अब इसको कोई बैटरी वगैरह चाहिए, ये पता नहीं क्या क्या करवाएगा यार, इसको वह बैटरी भी ला कर देनी पड़ेगी यार, तो इसलिए इसने $3000 हमसे मंगवाए। अब वह बैटरी ढूंढने के लिए हमको डूड मार्ट में जाना पड़ेगा, और डूड मार्ट शॉपिंग मॉल है जहाँ पर हम आसानी से उसको बैटरी को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यार चलते हैं डूड मार्ट पर। तो यार डूड मार्ट हमसे कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमने डूड मार्ट से वह बैटरी कलेक्ट की और करेल महाराज को अब बैटरी दे दी है। तो यार करेल महाराज ने यस कह दिया है, और अब ये क्या काम करवाने वाले हैं? तो यार इन्होंने तो बहुत ही खतरनाक मिशन दे दिया, आप हमको बीटता है गैंग, यानी हमको कुछ गुंडों से पंगा लेना पड़ेगा यार। ये मतलब ये भी मिशन का हिस्सा था क्या यार, गुंडों से पंगा लेना, हमारी जान जोखिम में डाल दी करेल महाराज, यार ये तो गंदी बात है। तो कोई नहीं, हम इस मिशन को भी पूरा करके रहेंगे यार। तो चलते हैं हे गैंग वालों के पास, देखते हैं वह कहाँ है और उनकी हम कैसे धुनाई पिटाई कर सकते हैं। तो यार हम है गैंग के नज़दीक पहुंच चुके हैं, और इसी जगह पर है गैंग के कुछ गुंडे रहते हैं। तो यार गाड़ी थोड़ा पीछे लगाओ और गाड़ी से उतरकर देखो, यह है गैंग वाले, ऐसे नहीं ऐसे मत मारो जैक भैया, ये पटका देंगे यार। तो जैक ने डांसिंग बम निकाला, और अब यह फोड़ने वाले हैं है गैंग वालों के ऊपर, और बम फोड़ दिया और है गैंग वाले नाचने लगे। अब इन्होंने बारूद वाला बम निकाला, अब है गैंग वालों का काम तमाम। मगर यार यह बहुत मोटी चमड़ी के हैं है गैंग वाले, यह ऐसे नहीं मरेंगे। तो अभी भी कुछ है गैंग वाले बचे हुए हैं जो और हमारे पीछे दौड़ रहे हैं यार। तो यार ये है गैंग वाले बड़े ही खतरनाक लोग हैं यार, ये तो वैसे मरने का नाम ही नहीं ले रहे। तो यार है गैंग वालों को हमने, ये तो बम से भी नहीं मर रहे यार, इनके लिए लगता है अपनी AK-47 निकालनी पड़ी। और जैक ने अपनी AK-47 निकाल कर इन पर डे दनादन फायर कर दिया, और है गैंग वाले ख़त्म। मगर यह पुलिस वाले कहाँ से आ गए, अब इनकी भी बैंड बजानी पड़ेगी यार। चलो जैक इनको भी पुलिस वालों को निपटा दो थोड़ा, वरना यह पीछे ही पड़े रहेंगे। तो यार पुलिस वाला पीछे है, जैक उसको निपटा पहले यार, इस पुलिस वाले को निपटा दो यार, इस पुलिस वाले की पुंगी बजा दो यार, इस पुलिस वाले को डिस्को करा दो डिस्को। अरे ये इतनी गोली खाकर भी नहीं मर रहा है, अब हुआ है वो, अब मरा है, एक और आ गया यार। यही तो मिशन गेम की खास बात है, अगर एक पुलिस वाला मार दिया तो फिर लाइन लग जाती है, पुलिस वाले मरने के लिए अपने आप आते रहते हैं। तो यार अब इन पुलिस वालों से पीछा कैसे छुड़ाएं यार, अब यह पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ चुके हैं और हमने है गैंग को टपका दिया है। तो कुछ पुलिस वाले आगे भी आ रहे हैं, और आगे वाले पुलिस वाले फिनिश, और अब देखते हैं पीछे भी एक पुलिस वाला है यार, एक पुलिस वाला और आगे है यार, इसको भी बैंड बजाना पड़ेगा इसका भी यार, ये तो नहीं मरा यार।
अब मरना चाहिए, अब मरेगा यार, अब मरा है ये पुलिस वाला। तो यार हमने सभी पुलिस वालों को ढेर कर दिया है, मगर कुछ पुलिस वाले अभी भी हमारे पीछे हैं। और जैक हमारा भागता हुआ, और जैक अब देखता है इसको एक साइकिल मिल चुकी है। यार इस साइकिल को उठाओ जैक भैया और निकल लो अपनी स्पीड से। तो यार जैक ने साइकिल उठाई और लगातार, अरे यहाँ ये तो गाइज इसने बहुत से पुलिस वालों और है गैंग वालों का काम तमाम कर दिया है। अब यह सिटी का नंबर वन डॉन बन चुका है यार। अब तो इसको करिल महाराज इससे ही मिशन लेंगे लगता है यार। अब करिल महाराज को जरूरत नहीं पड़ेगी जैक को मिशन देने की, क्योंकि अब जैक ने इतने सारे कांड कर दिए यार। अब इसको चलो फिर भी देखते हैं, चलते हैं करिल के पास। और इतने आदमी मारकर भी यह बच चुका है, तो यार वैनिश हो चुका है। तो यार हम पहुंच चुके हैं करिल महाराज के लोकेशन पर। तो यार करिल महाराज देखते हैं हमको क्या कुछ ज्ञान देने वाले हैं। तो करिल महाराज की लोकेशन पर हम आ चुके हैं, और करिल महाराज यहाँ पर एंटर होकर देखते हैं अब क्या कहते हैं। देट वॉज इंसेंटिव गैंगडोडियन लेसन। तो यार अब इसको वो ऋचि का जेल नंबर चाहिए, उसका एक स्नैप चाहिए यानी पिक्चर। तो यार अब हमको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और वहाँ से ऋचि का जेल का नंबर और ऋचि का फ़ोटो खींच के लाना पड़ेगा। तो चलिए यार चलते हैं, कोई नहीं ये फ़ोटो भी खींच के लाएंगे यार, ये कौन सी बड़ी बात है। जहाँ हमने इतने गुंडे टपका दिए तो ये फ़ोटो क्या बड़ी बात है। तो हम फाइनली पुलिस स्टेशन के पास पहुँच रहे हैं और देखते हैं ऋचि किस हाल में है बेचारा। और वो सामने पुलिस स्टेशन रहा, और हमारा जैक साइकिल को उड़ाता हुआ जा रहा है यार। तो यार हमारे जैक भैया साइकिल को आराम से रोको यार, ये रोक तो बस खड़ी हो गई। अरे ये कैसे भाग रही यार, इसको इसके ऊपर बैठकर इसकी स्पीड डाउन करो, वरना अगर यह भाग गई तो हमें कोई वाहन भी नहीं मिल पाएगा यार यहाँ पर। तो जैक ने फाइनली गाड़ी को इसकी स्पीड डाउन करने की कोशिश करता हुआ, मगर यह साइकिल बड़ी गंभीर है यार। तो यार यह साइकिल लगता है जैक को ही मार डालेगी। तो यार जैक इसको पुलिस स्टेशन के आगे लगाओ, यहाँ पर पुलिस का बहुत लफड़ा हो चुका है यार, हमने बहुत से पुलिस वालों को टपका दिया है यार, और हमें एक फ़ोटो लेकर निकलना है यहाँ से। तो चुपचाप इसको यहीं पर खड़ी कर दो यार, बस 0-0 हो गया स्पीड, अब उतरो इस पे से और पहुँचो जेल के अंदर यार। चलो जेल के अंदर और देखो ऋषि किस हाल में है बेचारा, उसका एक फ़ोटो खींच लेते हैं यार, और अपने जैक करिल महाराज को दे देते हैं। तो ऋषि यार उधर ही है ऊपर, तो यार उधर ही चलो। तो उधर ही पहुंचने की कोशिश सीढ़ियों से होगी, तो सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर चलो, और ऋषि का जेल नंबर यही है। तो यहीं पर ऋषि पड़ा होगा बेचारा भूखा प्यासा। अरे ऋषि है भैया, वो बैठा है। अरे क्या हाल है ऋषि? अरे बेहाल है भैया। तो ऋषि बेचारा बेहाल है यार। तो हम ऋषि का एक फ़ोटो खींच लेते हैं। अरे घबराओ मत ऋषि भैया, हम तुम्हें छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और हमने जान भी जोखिम में डाल दी और 15 पुलिस वाले टपका दिया आज। तो कोई ना भैया, जल्दी छुड़ाओ यार। तो हम निकल चुके हैं यार उसका एक स्नैप लेकर, और अब बाहर निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं सीधा करिल के पास, और देखते हैं वह हमको क्या कहता है यार। तो यार करिल महाराज ने हमारी ले ली बिल्कुल यार, करिल ने बिल्कुल थका दिया यार। मिशन करा करा के मतलब यार यह करिल किस मिट्टी का बना है यार, और हमें भी नहीं सोच रहा कि हम किस मिट्टी के बने हैं। तो यार हम चलते हैं करिल के पास और देखते हैं वह हमें आगे क्या मिशन बताने वाला है। तो अब हमारा जैक अब रोड से नहीं जाएगा, वरना रोड पर इसको पुलिस पकड़ लेगी, तो यार यह इधर उधर रास्तों से ही होता हुआ जाएगा। अरे उल्टा जा रहा है भैया, किधर जा रहा है यार, इधर नहीं जाना यार गुरु, यार ये सुनता भी तो नहीं है यार, उल्टा जा रहा है उल्टा, रास्ता किधर है, जा किधर रहा है। तो अब ये अब सीधा जा रहा है, अब ये थोड़ी देर में ही करिल के पास पहुंच जाएगा। तो यार इसने तो अपनी साइकिल से एक गाड़ी को ही उड़ा दिया, ये तो कमाल का काम किया इसने। अरे किसके घर में घुसेगा भैया, सीधा चल। और यार लोकेशन कितनी दूर पर है करिल महाराज की, ये तो बहुत दूर हो गई यार। तो यार अब लोकेशन नज़दीक है, क्योंकि ये पहाड़ उसके घर के आगे ही है। तो यार हम पहुंच ही चुके हैं करिल महाराज की लोकेशन पर। तो यार
जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो पहुंच चुके हैं लोकेशन पर और लोकेशन हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, मगर इतनी दूर कैसे लोकेशन हो गई यार? ये कैसे कैसे साइकिल चला रहा है यार? ये कौन सा तरीका है भैया तेरा यार? मतलब कोई शर्म लिहाज नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? साइकिल चलाना भी नहीं आता क्या? जैक निकाल यहाँ से यार, कहाँ फंसा रहा है जैक? थोड़ा सही चल यार, तूने आदमी पे टपका दिए क्या? स्टार ले लिया यार। तो यार ये तो बहुत दूर हो गई लोकेशन यार, ये देख, ये बदतमीज आदमी ने कहाँ पर साइकिल घुसा दी यार। निकल ले भैया यहाँ से और अपनी लोकेशन के पास पहुँच, यहाँ पर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं, ये कहाँ कहाँ को चला रहा है यार? गुरुजी तू तो बड़ा कमाल का है। और लगता है यह अपनी लोकेशन पर पहुँच चुका है और सामने लोकेशन है, मगर यह फिर उल्टा चल पड़ा यार। ये साइकिल ही ख़राब ले ली इसने, लगता है साइकिल ख़राब हो चुकी है गाइज, और इस साइकिल की वजह से ही जैक को साइकिल चलाने में दिक्कत आ रही है। तो यार इस साइकिल के इस्तेमाल हम आगे से नहीं करेंगे, अभी तो क्रिल के पास पहुंचने के लिए इस साइकिल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और क्रिल भगवान तो नहीं कह सकते, शैतान के पास पहुँच चुके हैं। तो यार देखो अब ये क्या कहता है यार, इसने फोटो देख लिया, कह रहा है वाकई वही है। तो यार ये कह रहा है कि अब पुलिस और है गैंग वाले तुम्हें कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं यार, तो अब तुम्हें कुछ दिन छुप कर रहना पड़ेगा। तो यार अब हमको छुप कर रहना पड़ेगा, और यह कह रहा है कि तुम टैक्सी चला लो और पैसे भी मिलेंगे तुम्हें, और वहाँ पर काम भी मिल जाएगा, और पुलिस वाले भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो यार यह इसने हमें कमाल का आइडिया दिया है, तो हम अब बनेंगे टैक्सी ड्राइवर। तो यार यह कह रहा है कि तुम कूल ड्राइवर बन सकते हो और बहुत सारा कैश कमा सकते हो, और है गैंग वाले तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएंगे और पुलिस वाले भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। तो यार चलिए हम चलते हैं अपना टैक्सी ड्राइवर बनने। तो यार ये बड़ा कमाल का काम दिया है इसने, थैंक यू जैक भैया, आपने तो हमारी लाइफ बना दी यार टैक्सी ड्राइवर बना के। यार ये चोरी चकारी गुंडागर्दी व करके हम वैसे भी थक चुके थे यार, आपने हमको इतने आदमी मरवाए यार, हमने तो बस तौबा कर लिया। तोबा यार इस काम से, हम आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे, तो यार हम टैक्सी ही चला लेंगे यार। बताओ टैक्सी कहाँ पर मिलेगी? तो इसने हमें बता दिया है वो टैक्सी कहाँ पर मिलेगी, और हम फिर अपनी साइकिल उठा ली, मगर ये साइकिल तो ख़राब है यार। चलो यार कोई वाहन नहीं है तो साइकिल से ही चल देते हैं यार। तो यह साइकिल वैसे तो ठीक चल रही है, मगर देखते हैं वह डबल टैक्सी कहाँ। अरे ये रही डबल टैक्सी, तो टैक्सी उठाओ जैक महाराज। और जैक अपनी साइकिल पर उतर लिया और टैक्सी में बैठने की कोशिश, और लगातार टैक्सी आगे कैसे जा रही है, और टैक्सी में अब यह सवार हो चुका है, अब सवारियां ढोने का काम यह करने वाला है। तो चलिए जैक महाराज अब सवारी ढूंढिए यार, शहर का चक्कर लगाइए। और सामने एक सवारी दिख रही है, और देखते हैं उस सवारी को बिठा करके वह हमको क्या कुछ पैसे देने वाली है। ये सवारी है, ये सवारी नहीं है यार, ये तो लोकेशन का सिंबल है, तो ये सवारी नहीं है गुरुजी। तो यार आगे चलो जहाँ पर हमको सवारी मिलेगी। तो यार सवारी देखो जैक भैया, सवारी नहीं मिल रही यार, अंधेरा हो चुका है, लगता है रात में सभी अपने घर पहुँच चुके हैं। तो यार सवारी नहीं मिल रही जैक भैया, अब ऐसे कैसे होगा यार? ऐसे तो हम फालतू में ही अपना डीजल पेट्रोल फूंकते फिरेंगे यार। तो यार पैसा भी नहीं आ रहा है कुछ, जेब भी खाली है यार, $80 सिर्फ जेब में पड़े हैं। तो यहाँ पर चलो दिन कर लेते हैं भैया, डे चीट कोड एक्टिवेट कर लेते हैं, डे में लगता है हमको कोई सवारी मिल जाए और कुछ आमदनी हो जाए। तो यहाँ पर हमारे जैक भैया ने दिन कर लिया है, डे चीट कोड का इस्तेमाल कर लिया है दिन, अब दिन में इसको सवारी मिल सकती है, क्योंकि रात भर लोग सोते हैं और दिन में अपना काम धंधे पर जाते हैं। तो यार अब इसको सवारी मिल सकती है, तो अब देखते हैं जैक कहाँ जाएगा और इसको सवारी मिलेगी भी या नहीं। तो यार हमारा जैक लगातार निकला हुआ है अपनी सवारी की तलाश में, मगर इसको कोई सवारी नज़र ही नहीं आ रही है यार। जैक भैया कोई सवारी ढूंढो यार, कोई नज़र क्यों नहीं आ रही सवारी? ऐसे लोकेशन क्या बार बार सेट कर रहे हो? सवारी जब मिलेगी तो अपने आप मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो किस्मत है यार, तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है जैक। तो पूरा शहर का चक्कर काट लिया, मगर एक भी सवारी नहीं मिली यार। तो यार ऐसे कैसे, वो रही सामने एक सवारी, तो इसको बिठाओ भैया।
यार सवारी बड़ी देर में आइए आइए प्रभु आइए। बहुत देर से ढूंढ रहे थे हम तो सवारी को, मगर कोई सवारी नहीं मिल रही थी। बैठिए प्रभु हमारी टैक्सी में और मज़ा लीजिए ड्राइविंग का। तो यार हम इन सवारी को अपनी टैक्सी में बैठाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसको फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचा पाते हैं या नहीं। इसे 17 सेकंड में पहुंचाना है यार। अरे जैक भैया रोड से चलाया करो, टैक्सी है कोई हवाई जहाज थोड़ा ही है। और वो लोकेशन सामने है उस लोकेशन पर। अरे ये किस झूले में मार दी जैक, सीधा चला जाओ गुरुजी। अरे भैया ये तो मिशन फेल हो गया यार। ये बंदा तो हमको और पैसे लेने की बजाय देने की बजाय हमसे ले और गया। अब हमारे पास $61 सिर्फ बचे यार, $19 ये ले गए यार। यानी ये तो बड़ा ही खतरनाक काम है यार। अगर सवारी को पहुंचा दिया तो पैसे मिल गए, अगर नहीं पहुंचाया तो पैसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। ये तो गलत काम है यार, ये तो बहुत बेकार काम है यार। चलो कोई नहीं, फिर भी हम ट्राई करते हैं और देखते हैं हमारी सवारी आगे कहाँ मिलती है हमको। तो यार हमारा जैग लगातार इस सिटी में सवारियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मगर इसको इतनी कोई खास सवारियाँ भी नहीं मिल रही हैं। क्योंकि जैग यार अभी इतना कमाल का ड्राइवर नहीं बन पाया है। तो सवारी ढूंढो जैग और आगे देखो यार सवारी कहाँ मिलती है। तो यार रोड के तरफ रोड पे जाओ जैग भैया, रोड पे मिलेगी सवारी, ये खेत खलियान में थोड़ी ही मिलेगी। तो हमारा जैक रोड पे आ चुका है और अब सवारी का इंतजार में देखते हैं सवारी यहाँ पर इसको मिलती है या नहीं। तो यार देखते हैं सवारी कहाँ पर है। और जैक लगा इस टैक्सी को भी लगता है ठोक पो पीट के ही रहेगा, ये अन्य गाड़ियों को तो ठोक पीट ही देता है और इस गाड़ी को भी ठोक पीट देगा। यार जैक वो रही सामने एक सवारी, तो इसको बिठा कर देखो भैया। जैक भैया क्या कमाल होता है, वो तुम्हारे पास नहीं आएगी जैक भैया, वो VIP सवारी, उसके पास जाना पड़ेगा। तो जैक ने इसको बिठा लिया और इसको 18 सेकंड में ड्रॉप करना है। तो देखते हैं इसको 18 सेकंड में ड्रॉप कर पाते हैं या नहीं। इसकी लोकेशन तो थोड़ा नज़दीक ही है, मगर जैक इधर उधर जो गाड़ी ठोक रहा है, लोकेशन नज़दीक हो चाहे दूर हो वह भी दूर हो जाती है यार। तो जैक ने इसको ड्रॉप कर दिया है और टाइम के अंदर ही तो यार यह हमको कुछ पैसे देने वाला है। अब तो देखते हैं कितने। अरे वाह $20, जितने हमसे छीने गए थे उतने ही हमसे मिल गए, यानी हमारे पूरे $81 हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट शिकार की ओर और देखते हैं उसका क्या होता है, उसको हम अपनी गाड़ी में बिठाकर डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। तो यार ये शहर में यही तो लफड़ा है, सवारियां भी नहीं मिलती जल्दी से। ये लोग कहाँ गए हैं इस शहर के, ये सवारी में बैठते क्यों नहीं टैक्सी में यार, इनको टैक्सी में बैठना चाहिए यार, पैदल क्यों चलते हैं यार, इनको पैदल नहीं जाना चाहिए। और एक दो सवारी हमारी सामने है और चलिए जैक भैया इनको बिठा लीजिए सवारियों को और देखते हैं आपकी किस्मत खराब है या सही। 26 सेकंड का टाइम है और इसको जंगलों से जाना है और इसको कोई शॉर्टकट रास्ते से जाना है यार ये तो। और अरे जैक ने फिर उसी झूले पर ठोक दिया यार, यही झूला हमारे कई सेकंड ख़राब कर देता है गाइज। तो यार जैक लगातार हमारा फैंस तोड़ता हुआ और इधर उधर से निकलता हुआ, हेलीकॉप्टर भी उड़ा दिया यार। अरे जैक ने इसको भी पहुंचा दिया यार, हेलीकॉप्टर भी उड़ा दिया। तो यार इसने हमको कितने पैसे दिए देखो, $60। अरे वाह इसने तो कमाल कर दिया भैया। तो इस सवारी को हमको 25 सेकंड में पहुँचाना है और देखते हैं इसको हम 25 सेकंड में पहुंचा पाते हैं या नहीं। तो यार चलिए इसके लोकेशन की तरफ चलते हैं जहां पर इसको ले जाना है। तो हमारे जैक भैया लगातार चल रहे हैं और लोकेशन वो सामने रही, मगर यह कह हमें टुकरा दी गाड़ी। तो ऐसे तो भाई तो मामला फिनिश हो गया, अब नहीं पहुंच पाएंगे यार, 3 सेकंड का टाइम रह गया और लोकेशन से दूर, और अब इनको पैसे देने पड़ेंगे यार, यानी जितने कमाए उससे ज़्यादा तो देने पड़ते हैं। $27 यहाँ पर भुगतान करना पड़ा सवारी को ना पहुँचाने का। तो यार एक सवारी आगे है, चलो इसे बिठा कर देख लेते हैं यार। आओ भैया आओ बैठो हमारी टैक्सी में यार, आ जाओ आ जाओ, हमारी टैक्सी फ्री है यार, नहीं पहुँचोगे तो हम पैसे देंगे यार, चलो बैठो कोई नहीं। तो यार हम पहुँच चल दिए हैं लोकेशन की तरफ और देखते हैं अब इस भैया जी को कहाँ पर जाना है। तो यार लोकेशन वो सामने रही और लगता है इनको हम पहुँचा ही देंगे यार, और पहुँचा दिए, वेरी गुड।
तो यार हमारे जैक भैया ने इसको भी पहुंचा दिया और देखते हैं ये हमको कितने पैसे देता है। तो यार इसने तो हमको एक पैसा भी नहीं दिया है यार, ये तो काम खराब हो गया यार। अब जैक का मूड खराब हो चुका है यार, अब ये गाड़ी लेकर कहाँ जाएगा यार, अब यार किसी सवारी को बैठाएगा भी या नहीं बिठाएगा तो है यार लगता तो है। तो बिठा ले यार जैक भैया और पैसे कमा, पैसे कोई नहीं भी दे रहा तो कोई बात नहीं यार, तू पैसे कमा, टैक्सी चला तो पुलिस से तो बचा रहेगा। तो यार यह मिशन हमको करिल महाराज ने दे रखा है, टैक्सी चलाओ, टैक्सी वाले बनो। तो यार यह कौन सा काम है यार, कोई ढंग का काम तो देता नहीं है करिल, पता नहीं क्या क्या करवाता रहता है यार। तो यार फाइनली हमारा मिशन ये भी मुश्किल ही पहुंच पाएगा, क्योंकि जैक ने गाड़ी पार्क के सामने ही ठोक दी और अब लोकेशन बहुत दूर है तो नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाया यार, नहीं पहुंच पाया। तो यार इसको भी पैसे देने पड़ेंगे यार। चलो भाई तू भी ले जा $33। अरे हट जा, मूड खराब है छोरा, तू आगे कहाँ से आ गया, हट जा। चलो जैक भैया अब ये कहाँ निकल लिया भैया, अंधेरा हो गया, तो अब इसने बहुत से पैसे लुटा दिए टैक्सी में, अब यह दूसरे की गाड़ी लेकर करिल महाराज के पास जा रहा है। तो देखते हैं करिल महाराज क्या कहते हैं। तो यार अगर आप लोग वीडियो देखते हो यहाँ तक आ चुके हैं तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो यार जय, ये करिल महाराज अब भी यही कह रहे हैं कि अभी आपको टैक्सी चलाने का काम ही करना पड़ेगा, तो अभी आप टैक्सी चलाइए और टैक्सी चला करके बहुत सारा कैश कमाइए और जब हमारे पास आइए। यार करिल महाराज ने दिमाग की बैंड बजा दी यार। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में आपको फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।